और आज 5 साल पूरे होने पे सबसे ज्यादा संतुष्टि इस बात की है कि ये 5 साल हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पे सरकार चलाने की कोशिश की। पूरी जिंदगी जीसस क्राइस्ट ने गरीबों की सेवा की, उनकी जिंदगी से में इतने उदाहरण हैं, इतने इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं बाइबल में कि किस तरह से कोई बीमार था, उनकी बीमारी दूर की, तरह तरह के इंसिडेंट्स हैं। हम लोगों ने भी दिल्ली के अंदर गरीबों का इलाज कराने के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले, गरीबों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया, बहुत सारे नए सरकारी अस्पताल खोले, सबके लिए इलाज मुफ्त किया, गरीबों के लिए स्कूलों की अच्छी व्यवस्था की, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की। हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में संदेश दिया था, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे 1% भी अमल कर पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश उनके जीवन का था कि आपके साथ कोई कितना भी बड़ा अन्याय करे, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसे माफ कर देना है। जीसस क्राइस्ट को जब अंतिम क्षण थे उनके और उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, तब भी वो अंतिम क्षण में भी उन सब लोगों को माफ कर देते हैं जिन लोगों ने उनको इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी थी। मैं अपने मन में सोच रहा था, क्रिसमस वाले दिन जब मैं चर्च में गया था तो मैं मन में सोच रहा था, हमारे साथ कोई जरा सा कुछ गलत कर दे, हमारे मन में तुरंत आता है इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। आता है कि नहीं आता है? और अगर हमारी थोड़ी भी पावर हो उसके ऊपर तो फिर हम उसको मजा चखाने में, तो एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हम सामने वाले को अगर कोई हमारे साथ जरा सा कुछ बुरा करता है हम उसको बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है, इससे समाज आगे नहीं, इससे इंसानियत आगे नहीं बढ़ती। यही मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज मुझे लगता है जीसस क्राइस्ट का यही है जो उन्होंने अपने मरते वक्त दिया था कि आपसे कोई कितना भी बड़ा आपको यातना दे, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, हमें उसको माफ करना है। और माफी सबसे बड़ी मुझे लगता है एक इंसान की क्वालिटी है। तो मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी ठंड में समय निकाल के आए।